वाड़ी शहर अतिक्रमण की जाल में फंसा है। इसके पहले भी अतिक्रमण को निकाला गया था, लेकिन दोबारा अतिक्रमण बसा है। इसे निकालने के लिए नगर परिषद ने नोटिस देकर 3 दिन में अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेट दिया। अतिक्रमण धारकों ने खुद अतिक्रमण नहीं निकाला गया तो नगर परिषद तोड़ू दस्ता का हथौड़ा चलेगा। अमरावती राजमार्ग पर भारी मात्रा में अतिक्रमण हुआ है, जिसमें मटन, फूल, फ्रूट व ट्रकों की लंबी कतार लगी रहती है, जिसके कारण यातायात को बाधा निर्माण हो रही है। वाड़ी में सैकड़ों छोटे दुकानदार फुटपाथ पर या सड़क किनारे बसे हैं, सालों से व्यवसाय कर अपने परिवार का गुजारा करते हैं। लॉकडाउन में पूरे धंधे बंद पड़े थे, अब शुरू हुए, लेकिन नगर परिषद ने अतिक्रमण हटाने की नोटिस देने से सभी दुकानदारों में हड़कंप मचा। इसमें एक पढ़े लिखे ग्रेजुएट भी है जो बेरोजगारी के चलते चाइनीज दुकान लगाकर व्यवसाय कर रहे हैं। इस पर व्यवसायी व युवक कांग्रेस नेता अश्विन बैस ने कहा कि कोरोना के चलते लॉकडाउन करना पड़ा, उसी में गरीब व्यवसाय करने वाले के धंधे बैठ गए, परिवार को पालना मुश्किल हो गया था। अब धंधे शुरू हुए तो नव मुख्याधिकारी ने अतिक्रमण निकाल कर गरीबों के पेट मारने का काम कर रही है। इस कार्रवाई को रोकने की मांग बैस ने की। वाड़ी नगर परिषद को 5 साल हुए, लेकिन नप न खुद का मार्केट नहीं बनाने से आज भी दुकानदारों को सड़क किनारे ही धंधा करना पड़ रहा है। यहाँ पर साप्ताहिक बाजार, चिकन मटन के लिए मार्केट, कपड़ा मार्केट, किराना मार्केट नहीं है। शहर के आला नेताओं ने भी इस समस्या को हल करना जरूरी नहीं समझा। ट्रांसपोर्ट में तब्दील हुए वाड़ी को अब दिक्कत का सामना उठाना पड़ रहा है। भविष्य में वाड़ी नगर परिषद ने खुद के मार्केट का निर्माण नहीं किया गया तो भविष्य में यह समस्या और विकराल हो सकती है। वाड़ी से सौरभ पाटिल, NBC न्यूज, नागपुर। नोटिस भेजा है, यहाँ दुकान नहीं लगाना, मांस मच्छी मटन की कोई दुकान नहीं लगेगी, यानी यहाँ से हमको हटाना है। हमने ये बोला कि भाई हमें कोई मार्केट की जगह दो या हमको कोई स्थायी जगह दो, तो इन्होंने हमको वहाँ से अपने पक्की दुकान से भी हटा करके इन्होंने रोड पे ला के बिठाया। जब तक मार्केट नहीं बनता तब तक तुम यहाँ बैठो 8-10 दुकान, और आज बताते हैं कि भाई हमको OCP से ऑर्डर है हमको ये हटाना। आज हम कहाँ जाए, ये हम रोड पे बैठे हुए हैं। आज हमको हमारे पक्की दुकान में करने की भी अनुमति नहीं है और फुटपाथ पे भी करने की अनुमति नहीं है, तो कहाँ जाए हम? इसका भी नगर परिषद ने ख्याल रखना चाहिए और हमको उसकी बताना चाहिए उसका कुछ, कहाँ रीजन क्या करना चाहिए सर। हम पहले उस साइड थे, डिफेंस गेट के उधर, हमको वहाँ से यहाँ हटाया और यहाँ से अभी बोल रहे हैं कि यहाँ से भी हटो। हमारे पास जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, हमने अपना खुद का धंधा चालू किया, हम जाए तो जाए कहाँ पे? क्या भूखे हमारे बैचलर लोग हैं? जॉब तो देते नहीं आप और ऊपर से एग्जाम तो निकाल नहीं रहे, बिजनेस स्टार्ट कर रहे उसमें भी घाटा है हमारा, बिजनेस तो चल नहीं रहा, बाहर के लोग कुछ खा नहीं रहे, फिर क्या करेंगे हम इसकी वजह से? और जैसे जैसे चलता है थोड़ा थोड़ा सा रहने से जैसे चलता है, आप बोलते हैं हटाओ बोले, फिर हम क्या कर सकते इसमें? हमारे ऑटो बंद हो गए कोरोना काल की से, कल से हमने जो है सब्जी की दुकान लगाई और दुकान लगाई करीब 1 महीना हो गया है। 1 महीना कैसे भी हम अपने बाल बच्चों को पाल रहे हैं 1 महीने से, और फिर इसके बाद उन्होंने अभी क्या हुआ, ग्राम अपना नगर परिषद वाले ने नोटिस भेजा, तो नगर परिषद वाले ने बोलते बोलते यहाँ से दुकान 3 दिन के अंदर में हटा लो। हम दुकान हटा के कहाँ लेके जाएंगे और हम अपने बीवी बच्चों को कैसे पालेंगे? आज वाड़ी नगर परिषद ने हम सभी जो फुटपाथ दुकानदार है हमको नोटिस भेजा गया है, और इस तरह से इससे पहले भी नोटिस भेजा गया था और भेजते रहते हैं और आते बुलडोजर लेके और हमारा सब दुकान उध्वस्त कर देते हैं। और हम इस तरह से अपने कैसे भी बाल बच्चे को पालते हैं, आज हमारे को कोई वैसे भी जगह नहीं है कि आप यहाँ पे बैठो, हम कैसे भी अपने बाल बच्चे को यहाँ पर पोषण करते हैं, यहाँ से हमको कुछ थोड़ी सी इनकम हो जाती है और अपना घरदार चलाते हैं। और ये है तो नगर परिषद वालों को ये सब नहीं दिखता और डायरेक्ट आते हैं और हमारे दुकानदारी को सब तोड़ देते हैं ये। तो इस बारे में इन्होंने पहले सोचना चाहिए कि इनका हमारा पहले उन्होंने ख्याल रखना चाहिए कि इनको कहीं पे स्थायी दुकान दीजिए, देना चाहिए हमें, ताकि हम वहाँ पे लगाए, या हमारे से कौन से परेशानी है ये उन्होंने बताना चाहिए। आज हमारे यहाँ पर ये दत्तावाड़ी में आज तक ऐसी कोई घटना घटी नहीं है जिससे कोई छेड़खानी हो, क्योंकि इस बारे का हम भी ध्यान रखते हैं और हम अपने तरफ से एकदम तत्पर है और हम किसी को कोई परेशानी नहीं होने देते। और हम रोड से वैसे भी हम दुकान हमने दूर लगा के बैठे हैं हमने, और लेकिन इस तरह से हमारे आज अगर जिस तरह से तोड़ देंगे हमारी दुकानदारी को तो कैसे होगा, हमारा पेट पानी कैसे चलेगा, हमारे बाल बच्चे रोड पर भूखे मरेंगे, तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? तो ये
हमारी सरकार ने, नगर परिषद ने ये सोचना चाहिए हमारे बारे में, उसके बाद में ये कार्रवाई करना चाहिए या तो हमें उचित जगह देना चाहिए।